एक समय की बात है, दनु नाम का एक दानव था। दनु के दो दानव पुत्र थे, रंभ और करंभ। वे दोनों ही बड़े क्रूर थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। अतः उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए तप करने का निश्चय किया। करंभ ने नदी में डूबकर और रंभ ने अग्नि के सामने खड़े रहकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। देवता जानते थे कि रंभ और करंभ की तपस्या यदि सफल हो गई तो उनसे होने वाला पुत्र संसार में और अधिक अत्याचार करेंगे। इसलिए देवराज इंद्र ने एक योजना बनाई। उन्होंने मगरमच्छ का रूप धारण किया और नदी में उतरकर करंभ का पैर पकड़ लिया और उसे खींचकर पानी के नीचे ले गए और करंभ मारा गया। रंभ को जब अपने भाई करंभ की मृत्यु का समाचार मिला तो वो इतना निराश हो गया कि रंभ ने हाथ में पकड़ी तलवार से अपनी गर्दन काटनी चाही, पर तभी सामने अग्निदेव प्रकट हुए और कहा, रंभ ये क्या मूर्खता कर रहे हो। रंभ उदास स्वर में बोला, मेरे भाई करंभ को तपस्या के दौरान मगरमच्छ ने मार डाला, उसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। उसकी मृत्यु के बाद मैं जीवित रहकर क्या करूंगा, इसलिए मैं भी प्राण त्याग देना चाहता हूं। परंतु तुम तो यह तपस्या संतान प्राप्ति के लिए कर रहे थे, अग्निदेव ने पूछा, तो फिर आत्महत्या जैसा अधर्म क्यों करना चाहते हो, इससे तुम्हारा कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। फिर अग्निदेव ने कहा, रंभ मैं तो तुम्हें केवल आत्महत्या करने से रोकना चाहता था, परंतु मुझे तुम पर दया आ रही है, तुम मुझसे कोई भी वर मांग लो। रंभ प्रसन्न होकर बोला, अग्निदेव यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे एक त्रिलोक विजयी पुत्र का आशीर्वाद दीजिए, जिसे मनुष्य देवता या असुर कोई न मार सके। अग्निदेव ने कहा, तुम्हारा मन सबसे पहले जिस स्त्री पर मोहित हो जाएगा उसी के गर्भ से तुम्हारे पुत्र का जन्म होगा। ऐसा वरदान पाकर रंभ खुश हुआ और घर लौट गया। एक दिन रंभ की दृष्टि एक महिषी यानी भैंस पर पड़ी, जिसे देखकर रंभ के मन में प्रेम जागृत हो गया। वो मूर्ख दानव उस महिषी के प्रेम में पागल हो गया और अग्निदेव के वरदान के चलते रंभ द्वारा महिषी गर्भवती हो गई। इसी बीच एक भैंसा भी उस महिषी को पाने की चेष्टा करने लगा। रंभ ने भैंसे को महिषी की ओर बढ़ते देखा तो उसे भैंसे से ईर्ष्या हुई और वो उससे भिड़ गया। भैंसा बहुत बलशाली था, उसने नुकीले सिंगों से रंभ की छाती में गंभीर घाव कर दिए, जिससे रंभ की मृत्यु हो गई। रंभ के मारे जाने के बाद भैंसा फिर से उस महिषी के पीछे पड़ गया। महिषी ने सहायता के लिए यक्षों की शरण ली, इसलिए यक्षों ने मिलकर महिषी के पीछे पड़े भैंसे को मार डाला और महिषी की रक्षा की। फिर यक्षों ने चिता जलाई और रंभ के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। रंभ की मृत्यु से दुखी भैंस के मन में जीवित रहने की इच्छा समाप्त हो गई थी। वो गर्भवती थी, फिर भी रंभ के साथ जलती चिता में बैठ गई। परंतु रंभ और महिषी के मर जाने से अग्निदेव का वरदान झूठा हो सकता था, इसलिए महिषी तो रंभ के साथ सती हो गई, किंतु चिता में विराजमान अग्निदेव ने अपनी शक्ति से महिषी के गर्भस्थ शिशु को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। महिषी का यही पुत्र महिषासुर कहलाया। अग्निदेव के वरदान के फलस्वरूप महिषासुर ने अपनी शक्ति से संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया और त्रिलोक विजयी हो गया। महिषासुर के अत्याचार से परेशान देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। अग्निदेव ने रंभ को वरदान में ये कहा था कि उसके पुत्र को कोई मनुष्य देवता या असुर नहीं मार सकेगा। इस समस्या पर सोच विचार करने के बाद शिव के सुझाव पर सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का अंश मिलाकर अद्भुत और परम शक्तिशाली देवी भगवती का आवाहन किया। देवताओं ने भगवती को महिषासुर के आतंक के विषय में बताया और उसका वध करने के लिए आग्रह किया। आखिरकार माँ भगवती ने महिषासुर का वध करके सृष्टि की अधर्म और अनाचार से रक्षा की। इसी कारण देवी भगवती को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है।